आज मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है कि मैं सही सलामत पाकिस्तान जैसी जगह से, और पाकिस्तान में वो जो जगह थी बुनेर, जिसको आप तालिबाना एरिया बोल सकते हो, मैं वहाँ से सही सलामत आ गई। और जैसे ही मैंने वाघा बॉर्डर क्रॉस किया, मैंने अपने हिंदुस्तान की मिट्टी को अपने दिल से लगाया, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही थी। एक खुली सांस थी, जो गहरी सांस थी, जो आज़ादी थी, इसलिए मैंने अपने हिंदुस्तान की ज़मीन को चूमा। और इन सब के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, सबसे पहले सुषमा मैम को, मिस्टर जेपी सिंह सर को, हाई कमीशन को, हर उस बंदे का जिसने हाई कमीशन में मेरा साथ दिया। उपाध्याय सर थे, पीयूष सर थे, भागीरथ भैया, भूपेंद्र भैया, हर एक बंदा, सबको थैंक्स बोलूँगी। मेरे अंकल आंटी हैं, मिस्टर वसीम अहमद, जिन्होंने सुषमा मैम से कांटेक्ट किया और सुषमा मैम ने उन्हें अच्छे से ट्रीट करा, और जस्ट बिकॉज ऑफ सुषमा मैम मैं आज सही सलामत आप लोगों के सामने बैठी हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट, सीरियसली थैंक्स अ लॉट, एंड इट मीन्स अ लॉट। जेपी सर, थैंक यू सो मच सर, इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं अपने स्टेटमेंट में बता चुकी हूँ कि मैं पाकिस्तान सिर्फ घूमने गई थी, विजिट का पर्पस था कि 1 तारीख को जाऊँगी तो 10 या 12 तारीख तक वापस आ जाऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ जाकर सिचुएशन इस तरीके से बदली कि पता ही नहीं चला कि कब ताहिर ने मुझे स्लीपिंग पिल दी, कब मैं सोई। और ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये किडनैपिंग आप बोल सकते हो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वाघा बॉर्डर क्रॉस करते ही सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वहाँ जाकर जब मैंने देखा, एक अजीब सा गांव था, एक लैंग्वेज अजीब थी, लोग अजीब थे, कुछ भी सही नहीं था वहाँ पे। समझ नहीं आ रहा कि मैं अगर उस चीज़ को बताऊं भी आप लोगों को तो कैसे बताऊं। बुनेर अगर आप गूगल पे भी कभी सर्च करोगे तो 2008 के आसपास वहाँ पर तालिबाना कब्ज़ा था, 2008 से 2010 तक शायद तालिबाना कब्ज़ा था, और बुनेर में मिलिट्री ऑपरेशंस भी होते रहते हैं। वहाँ पर उसने, ताहिर ने हर तरीके से टॉर्चर किया, इमोशनली भी, धमकियाँ भी दी गई कि यहाँ पर दिल्ली में भी हमारे रिलेटिव्स हैं, अगर तुम हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलोगी तो तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लेंगे, उसको मार देंगे। मार पिटाई करी, गन्स उनके घर में बड़ी बड़ी रखी थी, पिस्टल्स थी वो साथ में रखते थे अपने। मेरी बच्ची की वजह से मैंने वहाँ पर साइन किए, खौफ जितना उन्होंने डराया था उस पर मैंने साइन किया। बट वहाँ से निकलना, ये इसमें सारा क्रेडिट मैं सुषमा मैम को और जेपी सर को दूंगी कि इन्होंने इतना कुछ मेरे लिए किया, नहीं तो मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी की भी इतनी वैल्यू होगी। बिकॉज़ मैं अनाथ हूँ, आई एम अडॉप्टेड चाइल्ड, आई डोंट हैव मदर, सिस्टर, फादर, कोई नहीं है। ये मिस्टर वसीम अहमद और जो मेरी मदर आई हैं, मैं अडॉप्टेड हूँ तो मुझे नहीं पता था। मैंने आज पहली बार मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी की भी कोई वैल्यू है। सुषमा मैम ने ही मुझे बताया कि इंडियन सिटीज़न होना ये अपने आप में एक प्राउड है। जब मैं वहाँ पर जाती थी तो सुषमा मैम का रोज़ाना मेरे पास कॉल आता था कि बेटा फिक्र नहीं करना, हम हैं यहाँ पर, हम लड़ रहे हैं आपके लिए, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको, तुम हिंदुस्तान की बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो। ये मैम जब बोलती थी मुझे बड़ी तसल्ली मिलती थी। जेपी सर मुझे आकर बताते थे कि आज सुषमा मैम का कॉल आया, आज तुमसे बात नहीं हो पाई, बट मैम ने ये मैसेज दिया है तुमको। उससे मेरी हिम्मत बनती थी कि मेरे लिए मैम इतना कर रही है, मेरे लिए मेरे भारत की सरकार इतना कुछ कर रही है, गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। बहुत मुश्किल से मैं ताहिर को हाई कमीशन में लेकर आई थी। शायद मेरी जगह कोई और होती तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था, जो वहाँ के हालात हैं,
और अगर मैं 2-3 दिन और रुक जाती वहाँ पर तो शायद ज़िंदा भी ना बचती, या फिर वो मुझे कहीं सेल आउट कर देते, या किसी रिस्की ऑपरेशन में मुझे यूज़ कर लेते, वो कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मुझे ये फील हुआ कि वहाँ पर एक मैं अकेली नहीं हूँ, उस बुनेर जगह में, वो जो बुनेर है वहाँ पर शायद मुझ जैसी काफ़ी लड़कियाँ होंगी, और ज़रूरी नहीं है वो इंडियन सिटीज़न हो, वो फिलीपींस भी हो सकती हैं, बिकॉज बुनेर में किसी का अपना कोई कारोबार नहीं है। बुनेर में ज़्यादातर मलेशिया में रहते हैं, वो वहाँ से लड़कियाँ लेकर आते हैं, उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे हराशमेंट करते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। वहाँ पर आए दिन फायरिंग होती है, मैंने वहाँ पर 5 से 6 दिन गुजारे हैं, रोज़ की फायरिंग होती है वहाँ पर, सबके घरों में दो दो वाइफ हैं, कुछ नहीं पता। इस चीज़ के लिए मैं कोशिश करूँगी कि जो मुझ पर हुआ, जो मेरे साथ हुआ, वो किसी और के साथ कभी ना हो, क्योंकि शायद मैं लकी थी, या मेरी बेटी का नसीब बोलो कि उसको एक माँ दोबारा फिर से मिल गई, उसके नसीब से शायद मैं बचकर आ गई। मेरी जगह कोई और होती तो शायद वहाँ से नहीं आ पाती, और बहुत सी लड़कियाँ नहीं भी निकल पा रही हैं वहाँ से। मैं कोशिश करूँगी कि किसी तरीके से उन लड़कियों को मैसेज दूँ, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू हो, चाहे वो NGO के थ्रू हो, चाहे वो सावधान इंडिया के थ्रू हो, एनी हाउ जैसे भी होगा मैं कोशिश करूँगी कि एक ज़िंदगी भी अगर मैंने बचा ली तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मैंने वो पीरियड, उस टाइम को मैंने खुद अपने ऊपर झेला है। कैसे वहाँ का सफ़र गुजरा, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो आप लोग सब जानते हैं, मैं दोबारा उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहूँगी। ये था कि जिस तरीके से मैं ताहिर को लेकर आई, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हाई कमीशन ने मुझ पर इंस्टेंटली इतना यकीन कर लिया कि मैंने जब एंटर करा और जब मैं विंडो पर गई, मैंने सर को बोला कि सर मैं इंडिया हूँ, इंडियन हूँ और दिल्ली से आई हूँ, तो सर ने विद इन अ सेकेंड्स मुझे एकदम अंदर ले लिया। और ये बहुत हैरत की बात है कि मैंने JP सिंह सर को सारी बातें बताई, जो कि डिप्टी हाई कमिश्नर हैं, और उन्होंने मेरी बात सुनते ही एकदम से बोला कि ठीक है, आप, हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे, जहाँ तक हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। और उसके बाद मुझे अंदर ही, हाई कमीशन के अंदर ही रखा गया। जितने भी दिन मैं वहाँ पर रही, सुरक्षित रही, सेफ रही और बहुत अच्छे से रही। मेरे पास कुछ नहीं था जब मैं बुनेर से आई थी, मैं सिर्फ एक सूट में आई थी बुनेर से, बाकी कुछ भी नहीं था। आज जिस कंडीशन में, जिन हालातों में मैं बैठी हुई हूँ, ये सिर्फ सर की बदौलत है कि JP सिंह सर ने इतना एकदम से बोल दिया कि हम सारी चीज़ें करेंगे, और सिर्फ 2-3 दिन के अंदर सर ने सारी ज़रूरत की चीज़ें मुझ तक पहुँचाई, मुझे सेफली बहुत अच्छे से रखा। सुषमा मैम से बात करी, सुषमा मैम ने खुद ऑर्डर दिया सर को कि नहीं, हमारी बेटी है, हमारी देश की बेटी है, जो मर्जी कर दो, बच्ची को ताहिर तक मत पहुंचाना। ये बहुत बड़ी बात थी, मैम ने मेरे लिए इतना कुछ बोल दिया, मैंने इतने अच्छे वर्ड अपने लिए आज तक कभी नहीं सुने लाइफ में, मैम ने इतना कुछ बोला, बहुत 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 बड़ी बात है। इसके लिए मैं मैम को जितना थैंक्स बोलूँ उतना ही कम है। JP सिंह सर ने सारी चीज़ें अरेंज करी है, मैम जब तसल्ली देती थी, सर जब तसल्ली देते थे, तो मन में एक हिम्मत बनती थी कि हाँ कोई है सपोर्ट में पीछे। उसी की वजह से मैं कोर्ट भी जा पाई, कोर्ट में जाकर मैंने स्टेटमेंट भी दिया कि क्या क्या हुआ। सुषमा मैम का जब लास्ट मेरा हायरिंग था अभी कल, तो सुषमा मैम का 5 मिनट पहले मेरे पास फ़ोन आया, तो मैं बड़ी हैरान थी कि सुषमा मैम मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स हैं और मैं उनको याद हूँ पल पल कि मेरी कब हेयरिंग हो रही है, कब मैं कोर्ट जा रही हूँ, कब क्या सुनवाई हो रही है। मैम ने 5 मिनट पहले कॉल करके बोला कि बेटा घबराना नहीं, अच्छे से स्टेटमेंट देना, अगर 2 साल भी तुमको रखना पड़ा हाई कमीशन के अंदर तो हम तुम्हें सेफली और अच्छे से रखेंगे, लेकिन तुम्हें ताहिर के हवाले नहीं करेंगे। ये बात बहुत बड़ी थी कि सुषमा मैम खुद मेरे से बोल रही थी कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम देश की बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो। ये एक वर्ड सुनकर मुझ में हिम्मत आई, तो मैं कल कोर्ट में अंदर जाकर अपना स्टेटमेंट मैंने दिया, एंड थैंक्स टू गॉड कि मुझे वहाँ से क्लियरेंस मिल गई और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बट एक बात है, पाकिस्तान जाना बहुत आसान है,
बहुत इजीली आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, आप पाकिस्तान जा सकते हो, बट पाकिस्तान से वापस निकल कर आना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान मौत का कुआं है, वहाँ से आप नहीं निकल कर आ सकते। वहाँ फंस गए तो फंस गए। यहाँ पे नॉर्मली लड़कियाँ सोचती, मुस्लिम, मैं अपनी ही कल्चर की बात करती हूँ, जो मुस्लिम होती हैं वो सोचती हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है और मुस्लिम कल्चर है तो हम बहुत अच्छे से रहेंगे। मैं तो चलो फंस गई, लेकिन जो नॉर्मली अरेंज मैरिज भी यहाँ से कर कर जाती हैं वो भी बेचारी वहाँ पर रो रही हैं, वो भी परेशान हैं कि किसी तरीके से वो इंडिया आ जाएं, बट नहीं निकल पाती वहाँ से। पाकिस्तान का पूरा ही यही हाल है। एक घर में आपको दो दो तीन तीन चार चार वाइफ मिलेंगी। जैसा भी है जो भी है, हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, फ्रीडम है, और मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं हिंदुस्तान की नागरिक हूँ, मेरे पास हिंदुस्तान की नेशनैलिटी है, सुषमा मैम जैसे लोग हैं यहाँ पर। मुझे सीरियसली गर्व है, नहीं तो पाकिस्तान तो मेरे मन में इतना खौफ बैठ गया कि अगर कोई मुझसे एडवाइस भी लेगा पाकिस्तान की तो मैं उसको यही बोलूँगी कि पाकिस्तान मत जाना। पाकिस्तान में तो आदमी भी शायद सेफ़ नहीं है, औरत को मैं क्या बोलूँ, आदमी भी वहाँ पर सेफ़ नहीं है। जिस तरीके से हमारी कोई बात होती थी तो बहुत प्रॉब्लम होती थी हर एक चीज़ में। लास्ट यही है कि मैं बस आ गई यहाँ पर वापस, उसके लिए मैं सुषमा मैम को थैंक्स बोलूँगी, मेरे अंकल आंटी हैं मिस्टर वसीम अहमद, उनको थैंक्स बोलूँगी, हाई कमीशन को थैंक्स बोलूँगी जिन्होंने मेरे लिए इतना किया। और मुझे प्राउड है कि मैं इंडिया की बेटी हूँ, मैं इंडियन सिटीज़न हूँ, मैंने दुनिया देख ली, पूरी दुनिया भी नहीं, मलेशिया मैंने देख लिया, पाकिस्तान देख लिया, सिंगापुर देख लिया, दो तीन कंट्रीज़ देखी हैं। मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है कि हिंदुस्तान जैसी कोई जगह नहीं है इस वर्ल्ड में। हमें फ्रीडम है, हमें आज़ादी है, हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं, स्पेशली वुमेंस को यहाँ पर काफ़ी पावर है हर एक चीज़ में। हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, और बस मैम को थैंक यू बोलूँगी, और मेरी मैम से रिक्वेस्ट है कि किसी तरीके से अगर मुझे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी अगर थैंक्स बोलने का मौका मिले, और मैम को, मैं बस, मेरे पास थैंक्स के अलावा और कुछ नहीं है मैम के लिए, क्योंकि मैम ने जितना किया मुझे नहीं लगता कि कोई करेगा। मैं बस, मैम की ही वजह थी कि मैं यहाँ पर आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ, नहीं तो मेरा बच कर आना बहुत मुश्किल था बुनेर से। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा जी। आप यकीन रखें कि आपके जैसे दर्द में पूरा देश शरीक था, वैसे आपके आपकी खुशी में भी पूरा देश शरीक है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।